Hello children, myself Amit and I am taking the topic of class 9th biology, cell, the fundamental unit of life. And right now I am taking the topic of the subtopic of this chapter, cell and cell theory. So first of all, I just want to define what is cell. So cell is a basic, cell is basically the smallest structural and functional unit of life. सो सिंपल वर्ड्स में इसको कहा जाए, जो जितने भी बॉडी होती है ह्यूमन बॉडी, चाहे वो किसी की बॉडी हो, चाहे एनिमल की हो, चाहे वो प्लांट की हो, तो वो मल्टीपल सेल से बनती है. दैट्स व्हाई दे आर नोन एज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स. और जब वो बॉडी सिर्फ एक सेल से बनी हो, उसको हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं. सो बेसिकली सेल जो होता है वो बिल्डिंग ब्लॉक होता है. जिस तरह से एक वॉल जो होती है वो बहुत सारे न्यूमरस ब्रिक्स से बनती है, उसी तरह से एक जो बॉडी होती है वो भी बहुत सारे सेल से बनती है. सो सबसे पहले सेल की ऑर्गेनाइजेशन को अगर हम बात करेंगे, तो सबसे पहले हमारे पास सेल होता है और बहुत सारे सेल जुड़ के टिश्यूज़ बनाते हैं. टिश्यूज़ जब बहुत सारे जुड़ते हैं तो ऑर्गन बनता है, और जब बहुत सारे ऑर्गन जुड़ते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बनता है, और जब ऑर्गन सिस्टम जुड़ता है तो एक कम्प्लीट ऑर्गेनिज़म बनता है, जो मैंने बड़े ब्रीफली यहाँ पर बताया है. सो बेसिकली सेल स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर होता है. सेल स्मॉल स्केल पे वर्क करता है, और जब बहुत सारे सेल सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं उनको हम टिश्यूज़ बोलते हैं, और जब बहुत सारे टिश्यूज़ सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं उसको हम ऑर्गन बोला जाता है. और जब वही ऑर्गन सेम एक बॉडी एक मतलब एक प्रॉपर वर्क के लिए काम करते हैं उसको हम ऑर्गन सिस्टम बोलते हैं, और वो ऑर्गन सिस्टम बाद में कंप्लीट ऑर्गेनिज्म को बनाता है. सो ये काफ़ी ब्रीफ मैंने बताया सेल के बारे में आपको. सो नेक्स्ट मैं जो टॉपिक ले रहा हूँ इसी में जो है कि सेल की थ्योरी. सबसे पहले जो सेल के बारे में जिन्होंने बताया था वो मैंने यहाँ पे लिखा है, द सेल वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665. रॉबर्ट हुक बेसिकली एक बॉटनिस्ट थे, साइंटिस्ट भी हम कह सकते हैं, और उन्होंने अपनी एक 1665 में खुद से एक माइक्रोस्कोप बनाया था, और एक बुक में उन्होंने उसका रेफरेंस दिया था, इसका नाम है माइक्रोग्राफिया. माइक्रोग्राफिया में उन्होंने बताया कि जो सेल है वो किस तरह से उन्होंने ऑब्जर्व किया और उनको सेल कैसा दिखा. सेल उन्होंने बेसिकली एक स्लाइस लिया था एक कॉर्क का, और उस कॉर्क में देखने के बाद उनको एक कुछ स्ट्रक्चर जो दिखाई दिया वो कुछ हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर की तरह दिखाई दिया गया. हनी कॉम्ब की तरह उनको एक स्ट्रक्चर दिखाई दिया, और इस हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर को नाम उन्होंने लैटिन लैंग्वेज में सेला नाम दिया, और बड़े हर बहुत सारी बुक्स में ये सेलुलाई भी दिया होता नाम. सो सेलुले के नाम से भी उन्होंने बहुत सारी बुक्स में इसका रेफरेंस दिया है, जिसका मतलब होता है एक छोटा सा रूम, और स्मॉल रूम, और इवन वी कैन से दैट अ स्मॉल कंपार्टमेंट. सो उसके बाद इसके बाद सेल को, और बेसिकली जब उन्होंने सेल को देखा तो ये देखा कि सेल में सिर्फ उनको बाहर से जो स्ट्रक्चर यहाँ पे जो दिख रहा है ये स्ट्रक्चर कुछ और नहीं, सिर्फ एक सेल वॉल थी, और सेल वॉल के अंदर उनको इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में कोई एक्स्ट्रा आइडिया नहीं था, क्योंकि उस टाइम पे जो माइक्रोस्कोप था वो सेल्फ डिज़ाइन था और अपनी इनिशियल स्टेजेस में था. उसके बाद नेक्स्ट जिन्होंने, और ये 1665 में रॉबर्ट हुक ने इसको डिस्कवर किया था, ये भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ. सो नेक्स्ट उसके बाद लीवन हुक जो कि एक साइंटिस्ट थे उन्होंने, और लीवन हुक को फादर ऑफ बायोलॉजी भी बोला जाता है, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी. और माइक्रोबायोलॉजी के क्यों बोला जाता है, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की स्टडी की थी, और माइक्रो ऑर्गेनिज़म की स्टडी में ही 1676 में इन्होंने बैक्टीरिया को फाइंड किया था, और उसके बाद कुछ ही देर के बाद इन्होंने कुछ स्पर्म सेल को फाइंड किया था, और बैक्टीरिया के साथ साथ इन्होंने प्रोटोजोआ जो एक हमारा एक किंगडम है उसको भी फाइंड किया था, और उसमें इन्होंने बताया था कि सारे के सारे ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल से बनते हैं, और सिंगल सेल में ही इन्होंने स्टडी की थी. दैट्स व्हाई दे आर नो ही इज़ आल्सो नोन एज फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी. उसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे सेल थ्योरी की. सेल थ्योरी के लिए अलग अलग नाम आए हैं. सो यहाँ पे सेल थ्योरी जो था वो बेसिकली 1839 में इसका कंसेप्ट आया, और 1839 पे जिन दो पर्सन ने इसके लिए काम किया वो थे शेल्डन एंड शिवॉन. शेल्डन एंड शिवॉन ने इस थ्योरी का नाम दिया सेल थ्योरी. और इस सेल थ्योरी में उन्होंने क्या बताया कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इसके बेसिकली थ्री पॉस्टुलेट्स हैं सेल थ्योरी के. और 1839 के बाद 1855 में इस थ्योरी को थोड़ा सा और मॉडिफाई किया, जिन्होंने इसको मॉडिफाई किया उनका नाम है रुडोल्फ वर्चो. और
1839 में जो इन्होंने बताया था, इन्होंने ये बोला कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब के सब एक या एक से ज़्यादा सेल से बनते हैं। ये इनका पहला पॉस्टुलेट था। सेकंड पॉस्टुलेट ये था कि सेल जो है बेसिकली वो स्ट्रक्चरल और ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट है एक जितने भी ऑर्गेनिजम्स में है। तो कहने का वही मतलब हुआ कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सब के सब सिंगल सेल से बनते हैं, और वही सेल जब कंबाइन होते हैं तो उनकी मल्टी सेलुलर बॉडी बनती है या यूनिसेलुलर बॉडी बनती है। इसके बारे में शेल्डन एंड श्वान ने 1839 में इसको डिफाइन किया और इस थियरी का नाम रखा गया सेल थियरी। सो उसके बाद सेल थियरी को थोड़ा सा और मॉडिफाई किया रुडोल्फ वर्चो ने। रुडोल्फ वर्चो ने एक लाइन के बारे में बताया, सबसे पहले मैं उससे ये बताऊंगा। रुडोल्फ वर्चो ने 1855 में सेल थियरी के बारे में बताया था, उसको थोड़ा सा और मॉडिफाई किया था, और मॉडिफाई में उन्होंने लैटिन लैंग्वेज में थ्री वर्ड्स यहाँ पे लिखे थे, ऑमनिस सेलुला ई सेलुले। और इसका मतलब बेसिकली क्या है, इसको जब ट्रांसलेट करेंगे हम तो इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट मतलब हमें पता चलेगा। वो मतलब ये है कि जितने भी सेल्स होते हैं वो सब के सब प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनते हैं। सो कहने का मतलब क्या है यहाँ पे, मैं इसको थोड़ा सा डायग्रामेटिकली डिफाइन करूँगा कि जो सेल्स होते हैं, मान लो ये एक सेल है, ये सेल जब मल्टीप्लाई करेंगे दैट मीन्स ये डिवाइड करेंगे, सो बहुत सारे सेल्स बनते जाएंगे, और जब बहुत सारे सेल्स बनेंगे तो जो भी प्रीवियस सेल्स होंगे दैट मीन्स ओल्ड सेल्स होंगे वो क्या होते जाएंगे, डिस्ट्रॉय होते जाएंगे और वो नए सेल को जगह देते जाएंगे। तो इन्होंने यही कहा कि जितने भी सेल्स होते हैं वो सब के सब प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनते हैं। वही सेल यहाँ पे जो ये सेल पहले का था इसी सेल से बहुत सारे सेल्स बने, तो इसको उन्होंने यहाँ पे डिफाइन किया कि जितने भी सेल्स होते हैं वो सब के सब प्री एग्जिस्टिंग दैट मीन्स जो पहले से रह रहे होते हैं उन्हीं से बनते हैं। सो इस थ्योरी में इन्होंने ये बताया, और मैं दोबारा से इसको रीडिफाइन कर देता हूँ कि सेल थ्योरी सबसे पहले शेल्डन और शिवॉन ने दी। शेल्डन और शिवॉन ने अपने दो पॉस्टुलेट्स क्रिएट किए। पहला पॉस्टुलेट था जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब के सब एक या बहुत सारे सेल से बनते हैं। सेकंड उनका पॉस्टुलेट ये था कि जो एक सेल होता है वही बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट होता है ऑर्गेनिजम्स में, वही ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करता है। ऑर्गेनाइजेशन मैंने आपको पहले बता दी, ऑर्गेनाइजेशन का थोड़ा सा कंसेप्ट मैं यहाँ बताया था दोबारा से। ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि सेल्स बहुत जब बहुत सारे सेल्स सेम फंक्शन परफॉर्म करेंगे तो वो टिश्यूज़ बनाते हैं, जब वही टिश्यूज़ बहुत सारा सेम फंक्शन परफॉर्म करेंगे उसको हम ऑर्गन बोलते हैं, और जब सेम ऑर्गन जब एक ऑर्गन प्रॉपर वे में एक प्रॉपर फंक्शन को परफॉर्म करने में एक रोल प्ले करेगा उसको हम ऑर्गन सिस्टम बोलते हैं, और ऑर्गन सिस्टम जब एक रोल प्ले करने में हेल्प करेगा तो वह कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनाता है। उसके बाद वही ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे बताया मैंने। सो थर्ड जो था रुडोल्फ वर्चो ने 1855 में थ्री वर्ड्स लैटिन वर्ड्स उन्होंने फाइंड किए जिसका नाम था ऑमनिस सेलुला ई सेलुले, और उसका मतलब ये है कि जितने के जितने सेल्स हैं वो सब के सब प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से बनते हैं, दैट मीन्स जो सेल्स पहले से जिंदा है। लास्ट में कुछ मैंने होम असाइनमेंट यहाँ पर डिज़ाइन की है। फर्स्ट है नेम द लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, जो मैंने पहले का आपको डिफाइन कर चुका हूँ मैं। सेकंड है राइट थ्री पॉस्टुलेट्स ऑफ सेल थ्योरी। थर्ड क्वेश्चन है हु डिस्कवर्ड सेल एंड व्हेन। फोर्थ क्वेश्चन हु डिस्कवर्ड बैक्टीरियल सेल्स, उसका नाम लिखना है साइंटिस्ट का। और थर्ड क्वेश्चन में हु डिस्कवर्ड सेल एंड मैन, किसने सेल को डिस्कवर किया और कब किया। फिफ्थ क्वेश्चन है हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। सो ये क्वेश्चन हैं आपको कंप्लीट करने हैं। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।